प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 8 अंकों का टॉपिक अपठित अवबोधनम का अध्ययन करेंगे, तो आइए उसका अध्ययन करते हैं। इसमें कहा है कि संसारे संसार में कुटिलाह कुटिल अपि भी जनाह लोग संति हैं। संसार में कुटिल लोग भी हैं जिनकी बुद्धि कुटिल है, जैसे सांप कुंडली मार लेता है, उस प्रकार की कुंडली जो है उनके स्वभाव में होती है, वह दूसरों को हानि ही पहुंचाते हैं। नीचता, दुष्टता या जो चंडालपन है वो उनके स्वभाव में होता है। तो संसारे संसार में कुटिलाह कुटिल अपि भी जनाह लोग संति हैं, और सरलाह अपि सरल भी हैं। सरलाह जना सरल लोग प्रकृत्या स्वभाव से परेशान दूसरों का हित चिकीर्षव हित चाहते हैं। हित चिकीर्षव भवन्ति हित चाहने वाले होते हैं, परंतु कुटिलाह जना कुटिल लोग स्वभावेन स्वभाव से परेशान दूसरों का अहितम अहित इच्छन्ति चाहते हैं। तेषां शक्ति ही उनकी शक्ति किनकी कुटिलों की, परेशान दूसरों को पीड़नाए पीड़ित करने के लिए, बुद्धिश्च च और बुद्धि परेशान दूसरों को वंचनाए ठगने के लिए भवती होती है। तेषां गति ही उनकी गति विचित्रा भवती विचित्र होती है। अब ये जो आपने गद्यांश पढ़ा उसके उत्तर संस्कृत में ही पूर्ण वाक्यों से आपको देने। पहला प्रश्न है, संसार में कीदृशः कैसे जनाः लोग संति हैं। संसार में कीदृशः कैसे जनाः लोग संति हैं, तो संसारे संसार में सरलाः सरल कुटिलाः कुटिल च जनाः संति। ये जो च है यह अंत में आता और इसका अर्थ होता और जैसे संसारे संसार में सरलाह सरल च और कुटिलाह कुटिल जना संति लोग हैं। के कौन परेशान दूसरों का हित चिकीर्षव हित चाहने वाला भवंती होता है, तो सरलाह जना सरल लोग परेशान दूसरों के हित चिकीर्षव हित चाहने वाले भवंती होते। फिर है कि कुटिलाह जना किम इच्छन्ति, कुटिल लोग क्या चाहते हैं। कुटिलाह जनाः कुटिल लोग परेशान दूसरों का अहितम इच्छन्ति अहित चाहते हैं। कुटिल जनानाम कुटिल लोगों की गति ही गति कीदृशी कैसी गति होती है, अर्थात उनका जो चाल चलन उनका व्यवहार जो उनकी गति मूवमेंट है वो कैसी होती है। तो कुटिल जनानाम कुटिल लोगों की गति ही जो रवैया है जो गति है वह विचित्रा भवती वह बड़ी विचित्र अनोखी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपठित गद्यांश जो है वह समय पर पूर्ण करें ताकि 8 अंक आपके सुरक्षित हों, और इसी के साथ आगे हम पत्रों को करेंगे और फिर उसके बाद में चित्र को देखकर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे, फिर हम प्रत्यय इत्यादि को करेंगे, संधियां करेंगे, तो आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें और समय पे अपना कार्य करके परीक्षा के दृष्टिकोण से आप जो है परिपक्व या समर्थ बने। धन्यवाद।